नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वर्ल्ड कप की कहानी और आज बात है 2007 की। दरअसल 2003 के बाद 2007 उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि 2003 में तो भारत ने फाइनल खेला था और 2007 में भारत को चैंपियन बनने का मौका मिला था। तो आज कहानी 2007, क्योंकि अब टीम तो देखिए पहली जो 2003 में थी उससे थोड़ी सी और बेहतर अभी नजर आ रही थी। इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, युवराज सिंह एक ऑलराउंडर के तौर पर, एक सुपरस्टार के तौर पर टीम में इस्टैब्लिश हो चुके थे, और पुराने जो हमारे बल्लेबाज थे वो तो थे ही, सौरव, सचिन, द्रविड, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे के सारे नाम थे। परिवर्तन क्या था कि सौरव गांगुली की कप्तानी अब राहुल द्रविड टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, और कोच जो जॉन राइट थे उनकी जगह थे कभी वर्ल्ड चैंपियन रहे ग्रेग चैपल। लेकिन तकरीबन 2 साल भारत के कोच रह चुके थे और इन 2 सालों में भारत में बहुत बड़ा भूचाल भी आया था। जैसे श्वेता ने कहा, कप्तानी बदली गई, उसके बाद सौरव गांगुली टीम से बाहर हुए, वो 6 कैंसर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट में उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए। तो ये हकीकत है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले तक भारत की टीम सेटल्ड नहीं थी। उसमें सौरव गांगुली कम बैक करते हैं, कुछ और खिलाड़ियों को टीम में डाला जाता है, और जिस वक्त भारत की टीम मुंबई से कप लेकर आना रे के नारे से वेस्ट इंडीज के लिए गई, उसी फ्लाइट में मैं था। और श्वेता, मुझे याद है जब हम लोग उतरे हैं किंगस्टन जमैका, और वहां पर उतरते ही एक बहुत सीनियर खिलाड़ी थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या लग रहा है, क्या चांसेस हैं। उन्होंने कहा, या तो ये टीम चैंपियन बनेगी या ये टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी। लेकिन ये उनका विश्लेषण था। भारत में सबको लग रहा था कि पक्की बात है कि भारत इस बार चैंपियन बन ही जाएगा। हमने न केवल कप लेकर आना रे के नारे के साथ विक्रांत को भेजा था वहां पर कवर करने के लिए। विक्रांत ने अपनी पूरी ट्रैवल प्लान उस हिसाब से बना कर रखा था। हम यहाँ पर भारत में 15 शहर 15 खिलाड़ी, यानी कि जो खिलाड़ी अलग अलग शहरों से आते हैं वहाँ वहाँ जाकर हमने, हालांकि अपने हिस्से का खिलाड़ी आप यहाँ पर कवर करके जा चुके थे। और हुआ ये कि जब शेड्यूल अनाउंस हुआ तो भारत के तीनों मैच इसी क्वींस पार्क ओवल में, यानी कि ट्रिनिडाड के पोर्टो स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में अनाउंस किए गए। और भारत ने कहा, देखो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वेस्ट इंडीज में एक ऐसा मैदान जहां पर भारत का रिकॉर्ड अच्छा था, जहां भारतीय मूल के लोग थे और भारत को यहां पे सपोर्ट मिलने वाली थी। श्वेता, और खेलना किससे था? श्रीलंका से, बांग्लादेश से और बर्मुडा। लगा ऐसे जीतेंगे। और ये 3 मैच के बाद सुपर 8 होना था, लेकिन इस वर्ल्ड कप को अगर आप याद रखेंगे तो वो 3 वजहों से, एक भारत और उसके साथ पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो जाना, बॉब वुलमर जो उस वक्त पाकिस्तान के कोच थे, उनकी वो मर्डर मिस्ट्री जो आज भी सॉल्व नहीं हुई, और हम आपको इसी प्रोग्राम में वो दृश्य भी दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें एक बार फिर रवा करेंगे, और साथ ही साथ वो फाइनल जो 2 बार ऑस्ट्रेलिया जीता था, एक नहीं 2-2 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन भारत का पहला मुकाबला श्वेता इसी मैदान पर था। और ये मैच था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की टीम उस वक्त कुछ खास टीम नहीं थी, लेकिन भारत ने वही किया 2007 वर्ल्ड कप में जो 1999 वर्ल्ड कप में किया था, पैनिक। सबसे पहले ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को कहा, आप ओपन नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप बड़े खिलाड़ी को कहते हैं आप ओपन नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए बल्कि उस ड्रेसिंग रूम के लिए माहौल अच्छा नहीं होता। तो सचिन तेंदुलकर को यह कहा गया, जी आप नंबर 4 खेलेंगे। और भारत ने जो ओपनर्स थे, सौरव गांगुली, सहवाग और रॉबिन उथप्पा, इन तीनों में से रोटेट किया। मतलब ये हो जाता है ना कि जो खिलाड़ी जिस क्रम पे उसे खेलना है केवल वो नहीं डिस्टर्ब होगा, बल्कि पूरी की पूरी टीम, पूरा जो लाइनअप आ रहा है उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और यही हुआ। मतलब कहां तो आप सोच रहे थे कि बांग्लादेश उन्हें हम बहुत आसानी से हरा देंगे, वहां आप 200 रन नहीं बना पाए आप उनके अगेंस्ट। सौरव गांगुली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन उसमें गेंदें उनकी उस रिकॉर्ड के साथ याद नहीं की जाती है। 66 रन 129 गेंदे। नीचे आके युवराज सिंह ने 47 रन की वो पारी खेली और भारत बड़ी मुश्किल 191 तक पहुंचा। लेकिन वो ऐसा दौर था जहां पर हमें ये लगा कि 191 भी भारत रोक लेगा। अच्छा, मुझे याद है जो 40 मिनट का ब्रेक होता है श्वेता, मैदान के आसपास पहली बार ऐसा हुआ था कि आपको वेस्ट इंडीज में भारत के इतने झंडे दिख रहे थे, लोग कनाडा से आए, लोग अमेरिका से आए, लोग इंग्लैंड से गए, और भारत के फैंस को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। मैं भी जब मीडिया बॉक्स में बैठा था, मुझे लगा यार 191 कोई बात नहीं, भारत कर लेगा, और उनका एक सलामी बल्लेबाज आउट भी हो गया। लेकिन एक शॉट खेला तमीम इकबाल ने, उन्होंने जहीर खान को निकल कर मारा जो कि मीडिया बॉक्स की छत पे लगा, गेंद वापस आया, मैच भारत वहीं पर। अच्छा, कई बार क्या होता है ऐसे नतीजे आते हैं तो आप सामने वाली टीम को, चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, आप कहते हैं कि टेम्परामेंटल टीम है, ये तुक्के से जीत गई। लेकिन इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे
बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पर जो खेल प्रेमी है उनमें था, लेकिन अगला मैच मालूम था कि वहां तो निकाल ही लेंगे। अगला मैच भारत का बर्म्यूडा के साथ था, लेकिन इस दौरान दो बातें हुई। एक ये कि पाकिस्तान अपना पहला मैच हार गया, पाकिस्तान पर भी दबाव था, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर, उनकी मौत हो गई। दरअसल मुझे याद है कि 19 तारीख को जब भारत का बर्म्यूडा के साथ मैच था, तो मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख को भारत की टीम प्रैक्टिस करने आई इसी मैदान पर। सुबह 10:30 का वक्त था और भारत की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, ग्रेग चैपल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई। और ये जो नीले रंग की आप कुर्सियां देख रहे हैं श्वेता, इसी पर ग्रेग चैपल बैठे हैं और हम लोग मीडिया के उनके आसपास बैठे हैं, और अचानक से फोन आता है कि बॉब वुलमर को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेग चैपल को बताया गया कि जी बॉब वुलमर को तो हार्ट अटैक हुआ है, और ग्रेग चैपल के रंग उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि आप ये देखते हैं कि दबाव भारत पर भी था, और शायद उस वक्त ये आया कि पाकिस्तान के कोच दबाव को हैंडल नहीं कर पाए, उनका हार्ट अटैक हुआ। तो ग्रेग चैपल ने कहा कि भाई मैं, मेरी पूरी पूरी विशेज हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ, शायद वो ठीक हो जाएंगे। Well, firstly, I mean, I'm very sad to hear the news. I mean, I've only just found out a few minutes ago, and it is very sad to hear that news. So I hope for starters that Bob recovers and recovers well, and for him and his family, I've only got good wishes and you know, heartfelt feelings for them, because I know how demanding a job like this can be, and you know, it's very sad that Pakistan are in the position they're in, but it's even more sad that you know, it's caused maybe contributed to the state that Bob's in at the moment. So it's a tough job. Shweta, अगले 1.5 घंटे में भारत की प्रैक्टिस खत्म हुई, और ये जो नीले रंग की कुर्सियां पीछे बस में टीम चढ़ रही थी, और अचानक से खबर आ गई बॉब वुलमर की मौत हो चुकी है। और टीम के खिलाड़ी जब बस में चढ़ रहे थे, उसमें सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, युवराज सब थे, पर एंड में ग्रेग चैपल जा रहे थे। तो जब ग्रेग चैपल को ये बताया गया, तो अगले 10-15 सेकंड, जैसे आप कहते ना कि आप एकदम हक्के बक्के तो हैं ही, आपको पता नहीं कि क्या कहना है। और ये खबर बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि खबर ये आई थी कि वो जमैका में, भारत की टीम ट्रिनिडाड में थी, पाकिस्तान की जमैका में थी, वहां पे किंगस्टन के पेगेसिस होटल में अपने कमरे में सुबह उनको मृत पाया गया। और जमैका पुलिस ने जब शुरुआत में जब इसकी जांच शुरू की थी, उस समय भी होमिसाइड ही मतलब मर्डर के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मैं उस रात की बात आपको बताता हूं जिस दिन ये खबर आई, और भारत का अगले दिन बर्म्यूडा में मैच था। मैं टीम होटल में रुका हुआ था श्वेता, जो ट्रिनिडाड में हिल्टन होटल के नाम से था, और मेरी जो फ्लोर था, जो मेरा कमरा था, वो ग्रेग चैपल के बिल्कुल साथ वाला कमरा था। और तब तक तो आप जानती हैं वेस्टइंडीज में कोई सिक्योरिटी वगैरह तो होती नहीं थी, लेकिन अचानक से जैसे ये खबर आई, क्योंकि सुबह इसको मर्डर के तौर पर भी देखा जा रहा था, तो ग्रेग चैपल के कमरे के बाद बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड, और उस लॉबी में एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया गया। अच्छा। और मुझे याद है कि ग्रेग चैपल के साथ उनकी वाइफ भी थी, और हमारा कमरा चूंकि उनके बिल्कुल साथ था, उनकी वाइफ एक दो बार दिखी अचानक से, मतलब आप महसूस कर सकते थे कि भाई वो बहुत ज्यादा दबाव में है। ग्रेग चैपल पर बहुत ज्यादा दबाव था, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भी शक की सुई जा चुकी थी। लेकिन भारत का अगले दिन मैच हुआ, मैच था बर्म्यूडा के साथ। अब उस मैच में इतना याद आता है कि भारत ने 413 रन बना दिए, सहवाग ने भी 100 बना दिया, सौरव ने भी रन बना दिए। वर्ल्ड कप में इससे ज्यादा रन नहीं बने थे, नहीं बने थे। और नीचे आके द्रविड़ ने भी रन बनाए, फिर युवराज ने भी मैच प्रैक्टिस था, सब अपने रन बना रहे थे, खिलाड़ी करियर एवरेज ठीक कर रहे थे। लेवरॉक, आपको याद होगा, जिनका 130 या 135 किलो उनका वजन था, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, और उन्होंने स्लिप में कैच पकड़ा था, जो कि लोग आज भी देखते हैं तो कहते हैं वाह यार, 135 किलो का वजन। खैर, भारत वो मैच बड़े आसानी से जीत गया, लेकिन अचानक से, जैसे आपने श्वेता कहा, यहां से ये थ्रिलर बन चुका था। एक तो ये कि क्या भारत आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा सकता है क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरा ये हु किल्ड बॉब वुलमर। मार्क शील्ड्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वो पूरी तहकीकात कर रहे थे, और उन्होंने पहले ये बयान दे दिया था कि शक पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हो सकता है, शक बुकीज पर हो सकता है, शक पाकिस्तान के फैन पर भी हो सकता है, या फिर ये एक नेचुरल कारणों से डेथ हुआ हो, स्ट्रेस नहीं ले पाए बॉब वुलमर, इस वजह से हार्ट अटैक हुआ हो। लेकिन हर एक कोण से अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, और इस बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जारी था। पाकिस्तान की टीम भी आखिरी मैच जीत गई, लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर। अब बड़ा सवाल, उस वक्त का $1 मिलियन सवाल, अच्छा लोग कहते थे देखो जी ICC वर्ल्ड कप इंडिया के बिना तो हो नहीं सकता,
देख लेना इंडिया आखिरी मैच जो है वो किसी तरह से जिता दिया जाएगा। और मैं ये लोगों को कहता था यार ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, ये मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है, इंडिया अच्छा खेलेगा तो ही जाएगा। अब कल भारत का मैच है श्रीलंका के साथ, मस्ट विन, अगर भारत ने अगले दौर में जाना है उस मैच को जीतना है। और मुझे याद है होटल के छोटे से जिम में हम लोग थे, मैं और मेरे साथ निखिल भी थे, और ऐसे में सचिन तेंदुलकर आते हैं, और श्वेता ये वो दौर था जहाँ पर सचिन से बात करना आसान नहीं होता था, तो सचिन ने खुद आके बातचीत शुरू की और हमने कहा कि कल का मैच है, और पहली बार उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं इनको कह रहा हूँ कि आप मुझे ओपन करने दें, मैं मैच जिता दूंगा, लेकिन कप्तान और कोच ये कह रहे हैं नहीं जी आप मध्य क्रम में खेलेंगे। ड्रेक चैपल ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया था टीम को, अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा था और 2007 के वर्ल्ड कप में जिस तरह के वो किरदार में रहे, बिल्कुल एक ऐसा समय था जब पूरे भारत में क्रिकेट को लेकर आंदोलन छिड़ने वाला था। टीम उस वक्त तक बिखर चुकी थी, वो आखिरी मैच खेलने आए, लेकिन ये साफ था कि भारत पर दबाव बहुत ज्यादा है, श्रीलंका ने बहुत रन नहीं बनाए। उस जमाने में अगर आपको ये कहा जाए कि 240-250 के बीच आप रन चेज करें, आप ले लेते हैं चेज, लेकिन भारत का डिजास्टर स्टार्ट हुआ जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, तो श्वेता हर उम्मीद गिरनी शुरू हो गई, उम्मीद खत्म होनी शुरू हो गई। एक उम्मीद रह गई थी युवराज सिंह से कि शायद युवराज सिंह वो पारी खेल देंगे, लेकिन वो भी आउट हो गए। और बड़ा दिलचस्प कहें या विडंबना कहें कि MS धोनी जो नए सुपरस्टार थे वो शून्य पर आउट हुए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और एक कोच सबसे पहले टीम में संचार कर सकता है, पर वो तो उसका उल्टा कर रहे थे। 185 पर भारत सिमट गया, भारत वर्ल्ड कप से बाहर। अब भारत चूंकि वर्ल्ड कप से बाहर है, और वो दृश्य आपने बार बार देखे होंगे कि ये जो आपके पीछे पवेलियन है इसी में ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, उन कोई रो रहा है, कोई रुआंसा है जी। और श्वेता राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इवन सचिन तेंदुलकर, सर ने ये सोच लिया था कि इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। और सचिन ने तो बाद में कहा भी कि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अब क्रिकेट और नहीं खेलूंगा। उनके भाई ने बाद में उनको कहा कि 2011 के वर्ल्ड कप का आप इंतजार करें। तो जैसे भारत की टीम हारी और फैंस हमारे निराश हुए, तो मीडिया में भी गुस्सा था, और मीडिया का गुस्सा उतरा ग्रेग चैपल पे। ग्रेग चैपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ग्रेग चैपल से पूछा गया कि भारत क्यों बाहर हुआ, उन्होंने कहा वी डिड नॉट प्ले गुड इनफ। उनसे फिर पूछा गया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप अच्छा नहीं खेले, फिर उन्होंने फिर बोला वी डिड नॉट प्ले गुड इनफ। तो ये चलता रहा, और ग्रेग चैपल अपना आपा खो चुके थे, भारत बाहर, ग्रेग चैपल आपा खो चुके हैं, टीम बिखर चुकी है, टीम के खिलाड़ी होटल में मीटिंग कर रहे हैं आपस में कि अब एक नया कप्तान बनाया जाए, जैसे एक मिनी रेबिलियन जैसा होता है। और ग्रेग चैपल को ये अंदाजा हो गया था कि भारत आते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। भारत की टीम श्वेता जब आई है वापस, आपको याद होगा किस तरह से खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से उनके घर पहुंचाया गया। इनफैक्ट MS धोनी ने बाद में कहा भी कि हमें ये लगा कि शायद हम कोई जुर्म करके आ रहे हैं, हमें जेल लेकर जाया जा रहा है। क्योंकि जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि खिलाड़ियों के घरों पर गुस्सा फूटा था, 2007 में भी ऐसा हुआ, और चूंकि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी शुरू हो रहा था उस समय, तो बड़े मीम्स भी बनने लगे। उस समय मीम नहीं कहा जाता था, पर तस्वीरों में कि कोई दूसरा काम कर लो, ठेले पर सब्जी बेच लो, ऐसी ऐसी चीजें बनने लगी थी, बहुत शर्मिंदा किया जा रहा था उन सभी खिलाड़ियों। सही बात है, 17 तारीख को भारत ने पहला मैच खेला है इसी मैदान पर, और जनाब 23 तारीख को इसी मैदान पर भारत का वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अब सवाल यह था ये वर्ल्ड कप आगे कैसे चलेगा, क्योंकि भारत तो बाहर हो चुका था, लेकिन अचानक से सारी दुनिया का ध्यान चला गया बॉब वुलमर की उस मर्डर मिस्ट्री। तो वेस्ट इंडीज को जब रोटेशन पॉलिसी के तहत वर्ल्ड कप आयोजित करने का मौका मिला था, तो लगा था कि जितनी खूबसूरत ये बीच हैं, जितना खूबसूरत उठती लहरें, ये लहलहाते पेड़, ये सब हैं, वैसा होगा वर्ल्ड कप, पर न क्रिकेट के हिसाब से और न बॉब वुलमर का जो पूरा बिल्कुल पूरी घटना हुई विक्रांत। और हुआ ये कि 24 तारीख को पाकिस्तान की टीम को उड़ान भरनी थी, और पाकिस्तान की टीम को जब उड़ान भरनी थी, अपने मुल्क वापस जाना था, तो मार्क शील्ड्स अपनी स्टेटमेंट बदलते जा रहे थे। पहले वो मर्डर मिस्ट्री से हुआ, फिर उन्होंने कहा ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक से पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उनके कप्तान इंजमाम, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके थे, उनको रोका गया, उनके असिस्टेंट कोच मुश्ताक को रोका गया, और उनके मैनेजर को भी रोका गया। और कई सारी ऐसी थ्योरीज चलती रहीं, क्या ये खिलाड़ी हैं, CCTV फुटेज निकालिए, क्या ये बुकीज हैं। किसी ने ये कहा कि शायद बॉब वुलमर को अंदाज़ा हो गया था फिक्सिंग के बारे में, और शायद कोई बुकी ऐसा उनके साथ कर गया। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी चलती जा रही थी। मैं तो विक्रांत सही मायने में उस
पूरे वर्ल्ड कप का क्रिकेट याद ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब हम शोज वो तैयार करते थे अपने, तो अधिकतर फिर हम बॉब वुलमर की हत्याकांड पर ही फोकस करने लगे। बहरहाल हम यहाँ पर सेमीफाइनल की ओर बढ़ जाते हैं। ये है ब्रिजटाउन बारबाडोस का वो स्टेडियम जिसे पूरी तरह से नया बनाया गया था वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ पर होना था, और बारबाडोस ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर आप दुनियाई क्रिकेट में, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में लेजेंड्स देखें, सबसे कम एरिया के वो इसी जगह से आते हैं। और सेमीफाइनल जो था वो श्रीलंका ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, इधर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें आमने सामने, लेकिन जिस तरह से ये वर्ल्ड कप शुरुआत से ही एक तरह से हम कहें तो एक तरफा मैचों के लिए जाना गया, यहाँ पे दोनों सेमीफाइनल भी एक तरफा हुए और अब फाइनल की बारी थी जिसमें गुंजाइश यही लग रही थी। दरअसल इस वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब डैड्स आर्मी हो गई है, यानी कि ये एजिंग सुपरस्टार्स हो गए हैं, इनकी तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ये शायद वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएंगे। 99 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2003 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, और 2007 में ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक आने के लिए एक भी मैच नहीं आ रहा था। मैथ्यू हेडन ने कमाल किया हुआ था उम्र के बावजूद, ग्लेन मैग्रा ने कमाल किया हुआ था उम्र के बावजूद, और उनके सामने श्रीलंका था। बरसात से ये मैच अफेक्टेड था, ये मैच छोटा हुआ क्योंकि सुबह बरसात हो गई थी, और एडम गिलक्रिस्ट जैसे 2011 में आने वाले वक्त में एमएस धोनी ने फाइनल चूज किया था, तो एडम गिलक्रिस्ट का पूरा टूर्नामेंट फीका चल रहा था। तो उन्होंने बात की अपने दोस्त से, अपने कोच से, उन्होंने कहा यार बैटिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप ना बॉल अपने ग्लव में रख के बैटिंग कीजिए। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बोर्ड पर लगा दिए कि श्रीलंका वहाँ से नाउम्मीद हो चुका। अच्छा, उसे टेक्निकली क्या फायदा हुआ? आपका हाथ छूटता नहीं है। अच्छा, आपका हाथ छूटता नहीं, बेहतर है, आपका हाथ छूटता नहीं है, और आपका वो हाथ जो है कमजोर रहता है। अगर आप ऊपर वाले हाथ को मजबूत रखें और नीचे वाले हाथ को कमजोर रखें, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका शॉट हवा में नहीं जाता है, आपका टॉप हैंड हैवी रहता है। तो उन्होंने अपने उस हाथ को कमजोर कर लिया था, ताकि ये सिर्फ सपोर्ट करे, ये हाथ फोर्स ना दे पाए। जब आपका बॉटम हैंड फोर्स नहीं देता है, तो फिर आपकी टॉप हैंड से आप जबरदस्त शॉटें खेल सकते हैं। तो समझ लीजिए कैसे कभी कभी एक जुगाड़ से वर्ल्ड कप जीत लिया जाता है, और वही हुआ यहाँ पर भी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पूरे दबदबे के साथ इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। भारतीय क्रिकेट इस दौर को भुला देना चाहता था, लेकिन इस साल को नहीं, क्योंकि इस साल में वो कमाल हुआ था आगे चलकर 2007 में, जिसने वर्तमान क्रिकेट को सवारा, उसको अपना मौजूदा रूप दिया, जब 2007 का ही 2020 वर्ल्ड कप हुआ था। और वो तब हुआ श्वेता जब ये इमारत गिरी, और उस इमारत पर आपने नए जमाने की एक नई बिल्डिंग बनाई, क्योंकि 2007 जैसे इस वर्ल्ड कप का अंजाम हुआ, ग्रेग चैपल को हटा दिया गया, राहुल द्राविड़ पर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, और कुछ एक खिलाड़ियों के करियर को लेकर सवाल था, लेकिन एक नया उभरता हुआ सितारा आ रहा था। दुनिया उसकी लीडरशिप क्वालिटी की बात अभी से करना शुरू हो चुकी थी, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। बहरहाल वो कहानी कभी और होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही, और जब हम अगले एपिसोड के साथ लौटेंगे तो उस वर्ल्ड कप की बात होगी जो आप सब सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, यानी 2011 जब भारत बना था चैंपियन। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।